नमस्कार, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। अब ये जो खबर है ये कोई कहानी नहीं बल्कि ऐसे जाबाज, हुनरमंद और खेल भावना से ओतप्रोत जवान की सच्ची गाथा है जिसे आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। इस जवान ने वनांचल के गरीब वनवासी बच्चों को शून्य से शिखर पर पहुंचाने में अपना जीवन समर्पित कर दिया। हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ पुलिस के विशेष टास्क फोर्स जवान मनोज प्रसाद की, जिसने छत्तीसगढ़ के खेल जगत में मल्लखंब को स्वर्ण अक्षरों में लिख डाला है। नारायणपुर में मल्लखंब खेल की शुरुआत करना ही आसान नहीं था। जिन बच्चों को मल्लखंब सिखाया गया वह सभी बच्चे अब जुमा के दुर्गम इलाके के रहने वाले हैं। उन्हें मल्लखंब के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर उनकी ताकत और हुनर के वो मनोज प्रसाद ने पहचाना। दिन भर इन खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देना, उनकी कमियों को दूर करना, यही उनका काम है। वह मल्लखंब खेल की बेहतरीन तरकीब इन गरीब बच्चों को सिखाते हैं। उन्होंने इन बच्चों को मल्लखंब के गुर सिखाकर राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी बनाया। बता दें कि मनोज प्रसाद ने अपने जीवन में सबसे ज़्यादा रिस्क लिया तो वह इन बच्चों की प्रतिभा को दुनिया तक पहुंचाने का रिस्क। आज 4 वर्ष होने को आए, लगातार मनोज छुट्टियों में अपने घर ना जाकर उन गरीब बच्चों को सुबह और शाम बिना किसी लाभ लोभ के ट्रेनिंग देते हैं। वह पूरे सप्ताह जंगलों में बारिश और तूफान का सामना करते हुए ड्यूटी करते हैं। पौष्टिक खाना नहीं मिलने पर भी वह बिना किसी शिकायत के जंगलों में लगातार कई दिन तक ड्यूटी देते रहते हैं। हालांकि उसके बाद उन्हें कुछ दिन का आराम भी दिया जाता है, लेकिन इस बीच मल्लखंब के अभ्यास के लिए इनको ज़्यादा समय नहीं मिलता। फिर भी अपनी ड्यूटी के बाद जब भी इन्हें आराम दिया जाता है उस दौरान इन्हें गणना में शामिल होने के लिए कैंप में आना पड़ता है, लेकिन मनोज प्रसाद ने कभी हिम्मत नहीं हारी। वह सुबह 4 बजे लगातार उठते हैं और रात और सुबह 4 बजे उठते 10 किलोमीटर दूर स्कूल पहुंचते हैं जहां वह बच्चों को पढ़ाते हैं और फिर उनको वार्म अप के लिए दौड़ लगवाते हैं और मल्लखंब का अभ्यास करवाते हैं। उस दौरान उन्हें कैंप में गणना के लिए सुबह 6:30 बजे पहुँचना होता है। अब आप ही सोचिए कि स्कूल से वापस वह गन्ना के लिए कैंप आते हैं। कैंप में गन्ना 3 बार होती है। गन्ना के बाद वह वापस स्कूल बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। इतने थकाने वाले रूटीन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी, ये होता है सिखाने का जज्बा। और वह अपने इस जुनून को पूरा करने के लिए पूरे जी जान से जुटे हुए। उनके जीवन में कोई मनोरंजन नहीं, कोई बर्थडे नहीं, कोई शादी नहीं, कोई त्यौहार नहीं और ना ही किसी प्रकार की पार्टी। ड्यूटी और बच्चों को मल्लखंब की ट्रेनिंग के चलते उन्हें कभी अपने लिए जीने का समय नहीं मिलता और कैंप से बाहर जाने की इजाज़त भी नहीं। मनोज प्रसाद उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से आते हैं। उनके माँ बाप अभी भी वहाँ रहते हैं और वह अपने माँ बाप से पिछले 4-5 सालों से मिले ही नहीं। मनोज का कहना है कि जब बच्चों को ओलंपिक में ले जाने का उनका सपना पूरा हो जाएगा तब वह अपने माँ बाप से मिलेंगे। आपको मैं बता दूं कि बिना किसी प्रशासनिक मदद के 400 बच्चों और बालिकाओं को मनोज ने मल्लखंब सिखाया है। मेरा नाम राजेश कोरा, मैं कक्षा 4 पढ़ता हूं। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं और ओलंपिक में जाना चाहता हूं और अपने छत्तीसगढ़ नारायणपुर का नाम रोशन करना चाहता हूं। मेरा नाम मोनू राम नेतम है, मैं कक्षा 6 पढ़ता हूँ। राष्ट्रीय मल्लखंब चैम्पियन में हम स्वर्ण पदक जीते हैं, इसके बाद हम ओलंपिक जाकर गोल्ड मेडल जीतना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ नारायणपुर का नाम रोशन करना चाहते हैं। मेरा नाम कुमारी सरिता पोयम है, मैं कक्षा 5 में पढ़ती हूँ। 5-6-7 मार्च 2020 राष्ट्रीय मल्लखंब प्रतियोगिता में चतुर्थ स्थान पाई हूँ। मैं ओलंपिक जाना चाहती हूँ, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लगाना चाहती हूँ, नारायणपुर जिले छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करना चाहती हूँ। नारायणपुर जिले में पहले तो मैं अपना थोड़ा परिचय देना चाहूँगा। मैं यहाँ पे डिफेंस में हूँ और मेरा नाम मनोज प्रसाद है और विगत 2016 आखिरी मतलब 2017 से मैंने मल्लखंब नारायणपुर में शुरू किया है और आज हम भारत में अपनी हमारी अंडर 14 की टीम नंबर 1 स्थान पे है। उसके लिए बहुत ही प्रयास और बहुत ही लगन, बहुत ही मेहनत बच्चों ने भी किया, हमने भी किया और प्रशासन भी बहुत ही कोशिश किया इन बच्चों को डेवलप करने के लिए। ये बच्चे सारे अबूझमाड़ के बच्चे हैं और ये डेवलप करेंगे तो ये उस जगह से बिलोंग करते हैं जहां अभी भी वहां पे विकास नहीं है, मगर ये बच्चों के साथ साथ हो सके तो इस खेल के जरिए से लोगों को पता चलेगा कि अबूझमाड़
में भी एक टैलेंट छुपा हुआ है। यही एक मकसद था कि इन बच्चों को आगे लाने के लिए। आज हमारे बच्चे, यहाँ के 4 बच्चे ओलंपिक भी जाने वाले हैं, मगर लॉकडाउन के कारण सारे स्कूलें हॉस्टल बंद हो चुके हैं। मगर मैंने ये प्लानिंग किया कि बच्चों को अपने ही पास रखा जाए। तो हमारे घर पर अभी भी 5-6 बच्चे हैं और रह के लगातार इस लॉकडाउन के कारण की वजह से जो बंदी पड़ा हुआ है और बच्चे को प्रैक्टिस रुक ना जाए, जिसके कारण हम मैं खुद के अपने घर पे रखा हूँ बच्चों को और लगातार नियंत्रण इनका प्रैक्टिस चल रहा है। और अगले साल, इस साल जो 2020 में ओलंपिक होने वाला था, 2021 में ओलंपिक आयोजन है और हमारा उम्मीद है कि बच्चे यदि अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं तो जो हमारा वादा था 4 बच्चों का, वो ओलंपिक जाने का और डेमोंस्ट्रेशन में शामिल होने का, यही मेरा कोशिश है कि अगले साल ये बच्चे ओलंपिक तक पहुँचे और ओलंपिक से जाए, लोगों को इनका परिचय मिले। बताइए, अभी तो वर्तमान में देखा जाए कि लॉकडाउन के कारण में सभी कुछ बंद है, तो फिर भी रामकृष्ण मिशन में है 30-40 बच्चे हैं और अपने घर पे जो मेरे 5-6 बच्चे हैं और कुछ बच्चे शहर के भी बच्चे आ रहे हैं। अभी हमारा जगह फिक्स नहीं हुआ है कहाँ पे होगा, ऐसा करके हम लोग एक प्राइवेट में, मतलब सोच रहे थे कि एक शहर में भी होना चाहिए ताकि शहर के भी बच्चे इस कला को सीखें। इस कला को, ये कला एक विद्या है और इससे लोग, हम सिर्फ खेल के जरिया से देखते हैं मगर खेल के जरिया से नहीं, एक शारीरिक मजबूती को बढ़ाने वाला और मानसिक अपने जो हमारे दिमाग की क्षमता होती है उसको बढ़ाने वाला ये खेल है। तो जितना जल्दी लोग समझ जाए इस खेल को तो बहुत ही अच्छा होगा। और एक अहम बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जितनी भी बच्चे मलखंब करने वाले हैं सभी पढ़ाई में भी नंबर वन हैं, ये नहीं कि सिर्फ खेल रहे हैं, हमारे बच्चे जितने भी हैं अपने क्लास में नंबर वन हैं। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं इनक्रेडिबल मैरिज पैलेस राजघराना एंड द फाइनेस्ट बैंक्वेट हॉल ज्योति गार्डन, वर्ल्ड क्लास केटरिंग, सेंट्रली एयर कंडीशन, लश ग्रीन लॉन्स, स्टेट ऑफ द आर्ट लाइटनिंग, अ परफेक्ट वेन्यू फॉर वेडिंग, लॉन्चिंग एंड पार्टीज। राजघराना एंड ज्योति गार्डन एट JBD Banquets Enterprise.